ये काम शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे जल को रोका जा रहा है पुल बना के, ताकि आगे ये देख रहे हैं पूरा कपड़े हैं, ये कपड़े का पूरा ढेर है। अभी तो सफाई माता जी, सुबह यहाँ पे जल था ना? हाँ, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सुबह था, अभी रोक दिया, फिर से शाम को फिर अच्छा अच्छा शाम को आरती समय फिर आएंगे। फिर आप सफाई कर रहे हैं, आप सब पूरा जल के अंदर है। और कभी कभी जल काफी तेज हो गई थी, अभी जब बाढ़ आया था तो काफी तेज ऊपर तक जल चली गई थी और गड्ढे पे यहाँ पे जल रुका हुआ है, उसी में स्नान कर रहे हैं। और ज्यादा जल चाहिए तो आपको वहाँ पे आप देख रहे हैं हरिद्वार में जल की धारा और कम हो चुकी, क्योंकि अभी बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे और केवल इतनी ही जल की धारा है, पूरी तरह से जल की धारा को रोक दिया गया है। ये प्रमुख जल की धारा है, हर की पैड़ी में जल नहीं है, जिसका मतलब ये नहीं है कि हरिद्वार में जल नहीं है, गंगा जी सूख गई है, ये बिल्कुल नहीं है। गंगा जी को रोका गया है क्योंकि यहाँ पे सफाई का काम अभी चल रहा है। सारे श्रद्धालु आपको यहाँ पे आके डुबकी लगाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि गहराई है यहाँ पे, जल की धारा आपने देखा कितनी कम है और जहाँ पे गड्ढे हैं वहाँ पे जल रुकी हुई है और वहाँ पे श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। अभी जो काम है सफाई का वो काफ़ी तेजी से चल रहा है, जगह जगह आपको सफाई करते हुए लोग दिखाई देंगे, बुलडोजर चलते हुए दिखाई देगा। सफाई की गति अब तेज हो चुकी है, कपड़े का ढेर यहाँ पे मिल रहा है, अभी हम आपको बताएंगे। देख रहे हैं बच्चे किस तरह से गहरे जल में जा रहे हैं, यहाँ पे बड़ा सा पत्थर है और साथ में ये देख रहे हैं फिसलन भी हो रही है। ये बच्चे तो खैर उतर गए, जो बड़े थे वो रुक गए क्योंकि फिसलन भी हो रही है। और हरिद्वार की अगर यात्रा कर रहे हैं तो आप जरूर ध्यान रखें आपको कहाँ पे स्नान करनी है। हमने आपको सारे वीडियो में एक क्रमशः दिखा देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये आप देख रहे हैं, ये पहले यहाँ पे बांध बनाया जा रहा है और जल को रोका जाएगा, ये इधर बन चुका है और हर की पैड़ी की ओर जो जल जाएगी वही जल है, अब बाकी जल को रोक दिया गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी जल की मात्रा है, थोड़ी थोड़ी सी इधर से जल आ रही है, वही जल की धारा है, बाकी चारों ओर से जल को पूरा रोक दिया जाएगा ताकि यहाँ पे जल ना हो और श्रद्धालुओं को थोड़ी दिक्कत होगी। अगर तो श्रद्धालु सुबह 8-9 बजे तक आ जाएंगे वो आराम से स्नान कर लेंगे, क्योंकि आज भी वही दृश्य देखने को मिला था, 10 बजे तक जल थी, 10 बजे के बाद जल को रोका गया है, हमने आपको पहली वीडियो में दिखा दिया है। और लगातार जैसे भी अपना काम कर रही है ताकि यहाँ की जो सफाई की जो व्यवस्था है अच्छे से बने रहे। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती रिक्वेस्ट है, जब भी आए हरिद्वार तो आप कपड़े ना छोड़े गंगा जी में, डस्टबिन में छोड़े, ताकि यहाँ की सफाई व्यवस्था बनी रहे। बहराई से जल पहले से ही रोक दिया गया था और अभी जो जल है दूसरी जल की धारा वहाँ से जल थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही थी वो भी अब रोका जा रहा है, ये देख रहे हैं बांध के माध्यम से। और ये काम चलेगा आपको हम बता रहे, छोटे दिवाली के दिन पूरी जल आ जाती है, तो आप दिवाली के दिन आ रहे हैं या फिर दिवाली के बाद आ रहे हैं तो आपको पर्याप्त जल मिलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर दिवाली के बाद आ सकते हैं। अभी भी आएंगे तो आपको ऐसे नहीं कि जल नहीं मिलेगा, कुछ जगह हमें हैं जैसे कि शिव घाट है और हमने वीडियो अभी इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ जल आपको मिलेगा ताकि आप वहाँ पे आके स्नान कर सकते, क्योंकि सारे श्रद्धालुओं को यही कहना था कि अभी हम आ रहे हैं तो हमें अस्थि विसर्जन और बाकी घाटों की जो दृश्य है वहाँ जल नहीं है, अस्थि विसर्जन या मुंडन की विधि कहाँ करें, तो आप आराम से मुंडन की विधि, अस्थि विसर्जन की विधि करा सकते हैं, किसी बारे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मूर्ति है गंगा जी की, ये 12 महीना जल के अंदर रहती है, देख रहे हैं ये पूरा पूरा जल के अंदर है और कभी कभी जल काफ़ी तेज हो गई थी, अभी जब बाढ़ आया था तो काफ़ी तेज ऊपर तक जल चली गई थी। और अभी आप देख रहे हैं पेंटिंग की, ये आप देख रहे हैं गंगा जी की मूर्ति के ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे, सफाई की और जो शुरुआत है यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं काफी यहाँ पे देख रहे हैं लकड़ी वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, ऊपर पेंट हो रहा है, पेंट होने के बाद गंगा जी की मूर्ति काफी अच्छी लगने वाली है। और इधर का दृश्य देखेंगे यहाँ से, अभी हम नजदीक से जाके दिखा चुके हैं आपको, चारों ओर का दृश्य आपको देखने पे यही दिखाई देगा, जल की धारा काफी कम और कुछ जगहों पे जल ही नहीं है, सूखा देखने को मिलेगा। यही जल की धारा है जो आप देख रहे हैं, इतनी ही पतली सी जल की धारा है और इसी पतली सी धारा में लोग अभी स्नान कर रहे हैं।
अभी हम दिखाएंगे जल को यहाँ से रोका जा रहा है, जो थोड़ी जल आ रही थी अभी हमने आपको दिखाया ना, हल्की हल्की से जल की धारा जो दिखाई दे रही थी वो इधर से ही आ रही थी, और अब उसे भी रोका जाएगा ताकि सफाई अच्छे से किया जा सके। अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है क्योंकि 10 तारीख के करीबन जल आएगी और 10 तारीख से ही यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी जल देखने को मिलेगा। देख रहे हैं गहरे जल की तलाश में श्रद्धालु किस तरह से इधर से उधर जा रहे हैं। सोना चांदी सिक्के निकालने वालों के दृश्य भी यहां पे देखने को मिलेंगे और जल के लिए इधर उधर जा रहे श्रद्धालु का भी दृश्य देखने को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पे काफी सारे कपड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, यही सारा दृश्य है। ये हर की पैड़ी से पहले का दृश्य, हर की पैड़ी के बाद का दृश्य, तो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे क्योंकि वहां पे कपड़े का ढेर मिलेगा। ये जहां पे सफाई अभी हुई नहीं है, सफाई की जो केवल जल की गति रोका गया है, वहाँ का दृश्य आप अभी देख रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे केवल पत्थर और जल की जो गड्ढे गड्ढे पे दृश्य देखने को मिल रहा होगा, और यहाँ पे जल अच्छा देखने को मिल रहा है। देख रहे हैं आप श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, यही जल की धारा भी है। देख रहे हैं इतनी ही जल की धारा है जहाँ पे खड़े हुए हैं भाई साहब, और यहाँ पे गड्ढा है और यहाँ पे कमर इतना जल है, कहीं पे घुटने इतना जल है, इस तरह का दृश्य अभी देखने को मिल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। हरे गंगे नमामि गंगे। देख रहे हैं गड्ढे पे यहाँ पे जल रुका हुआ है, उसी में स्नान कर रहे हैं, और ज़्यादा जल चाहिए तो आपको वहाँ पे